किस किस से उलझोगे तुम? उस एक तानिया के पीछे? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम जैसा सुलझा हुआ लड़का आज अपने बाप के सामने खड़ा होने को है। मॉम, मैं डैड के सामने नहीं खड़ा हो रहा, उन्हें बस बता रहा था कि उनके मशवरों से उनके दोस्तों को कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ उन्हें फायदा होता, और जिन मशवरों में अपना मुफाद छुपा हो वो मशवरे नहीं बल्कि खयानत होते। ओह, तो तुम्हें बड़ा दर्द उठ रहा है उन लोगों का? आप कुछ भी समझिए, बट आई बिलीव इन ऑनेस्टी। ये चालबाजियां, ये चलाकियां इंसान को इंसान के दर्जे से नीचे गिरा देती हैं। ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसे तानिया की जगह कोई और दर्द दिखाना पड़ेगा। आपकी बहन का फोन आया था, काफी परेशान है। अच्छा, तो तुम्हें फोन कर दिया अर्जुमन ने? जाहिर है फिक्रमंद है वो। फिक्रमंद? जिस रास्ते पर दोनों खानदान जा रहे हैं ना, उसके आखिर में खाई है। ऐसा ना हो कि दोनों खानदान उसमें जा गिरे। किसे डरा रहे हो? किसे डरा रहे हो तुम लोग? अरबाज खान को? तुम में से किसी को भी तानिया का एहसास नहीं है शायद। तानिया अब ठीक है, और फिर उसकी खुदसरी की कीमत क्या हम सबको अदा करनी होगी? हाँ, जो जो मकरूज है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, उसूल तो यही है। कर दोनों खानदान यहीं रुक जाए और जो कुछ गुजर गया उसे भूल जाए तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? अब कुछ अच्छा नहीं होगा उरूसा बेगम, कम से कम असफंद और सिकंदर के लिए तो नहीं। सिकंदर ने पहली बार रिश्ते से इनकार किया, मैंने बर्दाश्त किया। अर्जुमन ने दूसरी बार तानिया का रिश्ता मांगा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन सिकंदर ने दूसरी बार भी इनकार कर दिया। और मुझसे पहले तानिया की बर्दाश्त जवाब दे गई, तो क्या अब भी मैं खामोश बैठा रहा हूं? देखो उरूसा बेगम, अगर तुम और अर्जुमंद ऐसा सोच रही हो तो प्लीज प्लीज ऐसा सोचना बंद कर दो, समझी तुम?